ये कंबल हम आपको इस बॉक्स पर, कैबिनेट पर आपको चढ़ाकर दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एके डीजे व्लॉग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैबिनेटों पर कंबल चढ़ाना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये कैबिनेट है ये एकदम कंप्लीट है, कंबल चढ़ चुका है, रेडी है। और जो आपके सामने ये वाली कैबिनेट है ये एकदम खाली है, लेकिन बनकर ये कैबिनेट एकदम रेडी है। तो दोस्तों, इस कैबिनेट पर आपको हम कंबल चढ़ा करके दिखाएंगे, ऐसी दिखने वाली है ये कॉलम भी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कंबल है हाई और बेस्ट क्वालिटी का है। हमने जितने की आवश्यकता है इतना पीस काट लिया है, इस पर इतना ही चढ़ पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुझ पर अकेले पर यह कंबल इस पर कैबिनेट पर नहीं चढ़ पाएगा, तो हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। हरेंद्र कुमार जी, आइए कैमरे के सामने। तो ये हमारे साथ हैं, ये कैबिनेट पर कंबल चढ़वाएंगे। दोस्तों, जगह कम है थोड़ा सा, तो कैबिनेट को थोड़ा हटा लेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए और बिना काटे पूरा देखें, जिससे कि आप जान पाएं या सीख भी सकते हैं। अगर जो वीडियो पूरा देखोगे तो वीडियो आपकी समझ में आएगी, और आप इस वीडियो के जरिए आप अपने घर पर भी कैबिनेटों पर कंबल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको फेविकॉल को बिल्कुल फिनिशिंग टाइप बिछा लेना है, और फिर से इस कंबल को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे, और ऐसे बिल्कुल प्यार से हाथ मारेंगे सफाई से, जिससे फिनिशिंग एकदम बेहतरीन आए। दोस्तों, कुछ ज़्यादा फिनिशिंग के लिए हमने इस हैंडल को इस्तेमाल करेंगे। तो देख पा रहे हैं, इस हैंडल को लिया है हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा फिनिशिंग के लिए, जिससे अच्छे से कंबल हमारा चिपक जाए कैबिनेट पर, और मतलब छूटे नहीं बस, इसलिए। इस पर चिपकने के बाद दोस्तों, जब कंबल एकदम सेट हो जाए आपका, इस हैंडल से एकदम सेट कर लेंगे, उसके बाद आपको स्टेपलर ले लेना है, जो कि हमारे पास ये है। इस स्टेपलर से पिन मार लेंगे, जिससे ये एक बार चिपकने के बाद दोबारा छूटे ना। देख सकते हैं एकदम सेट हो चुका है यहाँ से। और अब आप पलटवाओ इसको थोड़ा सा, एक पीछे करो, इसको निकालो पीछे। दोस्तों, फिर से हमने इस फेविकॉल को इसी प्रकार से बिछा लिया है, और
कुछ इसी प्रकार से हाथ से आप इस कंबल को सेट कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और सेट करने के बाद फिर से ये हैंडल लेंगे और इसी प्रकार से फिनिशिंग कर देंगे। कैबिनेट एकदम फिनिश चिपकेगी, देखने में एकदम बेस्ट लगेगी आपको। स्टेपलर ले लेंगे फिर से, स्टेपलर से फिर से दोबारा से कुछ इसी प्रकार से मार देंगे। चलो साफ नहीं करवाओ, जितना हाथ लगाए खड़े रहो करें। दोस्तों इधर से हमने कटिंग एकदम रेडी कर दी है, दूसरी तरफ से और आप कटिंग दिखाएंगे। दोस्तों हमारी इधर से भी कटिंग एकदम रेडी है,
एकदम रेडी है। आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से एकदम फिनिशिंग है बढ़िया तरीके से। एकदम अंदर से देख सकते हैं आप, ये देखिए एकदम देखने में बेस्ट लग रहा है। ये देखिए दोस्तों कंबल चढ़कर एकदम रेडी है। ये देखिए और अब आपको दिखाएंगे एक बार जाली डाल करके कि कैबिनेट की इस टाइम डेकोरेशन कैसी है, देखने में कैसा लग रहा है। एकदम कंप्लीट कैबिनेट करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये कोने हैं हमारे, अब ये कोने भी खींचने हैं हमें जो कि फिनिशिंग के लिए होते हैं और कोने में कंबल फटने से बचाए रखते हैं। कोने एकदम खींचकर रेडी हैं, आठ से आठ कोने खींच दिए हैं और अब पैर लगाएंगे नीचे। पैर भी VIP हैं, ब्रांडेड प्लास्टिक के रबड़ के, जिससे नीचे क्रौच ना आए, कैबिनेट एकदम सेफ रहेगी। तो पैरों पे इसके जो फिट हैं उनको लगाएंगे। दिखाई देते हैं एक बार, ये देखिए कौन एकदम रेडी हैं। इसमें भी ये देखिए चारों पैर एकदम खींच कर रेडी कर दिए हैं जो कैबिनेट के फिट होते हैं। ये चारों एकदम रेडी हैं, ये देखिए पेच लगा दिए हैं, एकदम फिट है। तो दोस्तों अभी इसमें एक बार आपको जाली डाल करके दिखाएंगे कि कैसी लगेगी हमारी कैबिनेट। दोस्तों ये हमारी जाली है इसकी कैबिनेट की, जो कि देख पा रहे हैं न्यू है एकदम, पेस्टर एकदम मजबूत है। इसके अंदर भी ये देखिए अंदर से भी इसमें फॉर्म लगी हुई है जिससे अंदर धूल ना जाए, स्पीकर पे गंदगी ना हो, स्पीकर गंदा ना हो पाए, इसलिए ये देख काफ़ी भारी है उठाने में। आपको दिख रहा होगा वीडियो में काफ़ी भारी है। और दिखाते हैं आपको दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं कैबिनेट एकदम रेडी है, अब बस केवल स्पीकर डालो और चलने के लिए तैयार। देखिए दोस्तों जैसा कि आपको दिखाया था JBL लिखा हुआ है और ये देखिए कैबिनेट एकदम फिट है।
तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।